खबर समस्तीपुर जिले की विद्यापति नगर से आ रही है। आपको बता दें कि प्रखंड के पंचायत समिति सभागार भवन में शनिवार को ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत मुखिया, पंचायत सचिव, बीसीओ, मनरेगा, पीटीए, आवास सहायक, कार्यपालक सहायक, तकनीकी सहायकों को प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मुखिया संघ की ओर से प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अमित कुमार को बुके और गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। आयोजित कार्यशाला में नए वित्तीय वर्ष हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के तहत ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की गई। वहीं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ने कहा कि जीपीडीपी के अंतर्गत सभी विषयों को कार्यान्वित करने वाले सभी विभाग अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स के माध्यम से अपने विभाग के द्वारा सभी योजनाओं का निर्धारण ग्राम सभा के माध्यम से करेंगे। सभी योजनाओं को मिलाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। जैसे पंचायती राज विभाग, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण, सात निश्चय योजना, हर घर नल का जल एवं ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए आम सभा की जाती थी ताकि योजना लेने में कोई विसंगति ना हो। इसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय बनाकर जिम्मेदारी तय की गई। और ये मीटिंग का मुख्य थीम है, मतलब 2023-24 के लिए बजट जीपीडीपी अपलोड करना, इसी संबंधित आज एक दिवसीय कार्यशाला रखी है। कहीं कोई परेशानी भी आने की संभावना है क्या? कुछ तब्दीलियां हुई है पिछले वर्ष के मुताबिक, तो वो बीपीआरओ सर के द्वारा विस्तारपूर्वक बताया जा रहा है और ये कार्यक्रम अभी जारी ही है। मीटिंग है ऐसा, जैसे हमें भारत सरकार से और राज्य सरकार से जो गाइडलाइंस आई थी जीपीडीपी का निर्माण होने के लिए 2023-24 के लिए, उसमें कुछ परिवर्तन आया है। उससे जो मुखिया जी हमारे हैं, पंचायत सचिव हैं, सबको अवगत करवाना था। जो भी प्रखंड स्तरीय लाइन डिपार्टमेंट है वो सबके पदाधिकारी आएंगे और सब योजनाओं के बारे में अपनी जानकारी देंगे, और हम खुद एज ए बीपीआरओ जो भी मुखिया जी, उनको जो नया सिस्टम उनके बारे में बताना है, जीपीडीपी के महत्वता के बारे में बताना है, एसडीजी क्यों है उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताना, और ग्राम पंचायत उसमें क्या रोल निभा सकता है, वो सबको बताने के लिए आज का स्पेशली मीटिंग बुलाया गया था। बैठक में देखा गया है कि जो बहुत सारे पदाधिकारी जो प्रखंड स्तरीय हैं वो उनकी उपस्थिति नहीं हुई है, क्या कहेंगे इसको? बहुत सारे पदाधिकारियों का भी, जैसे आज ही हमारे विद्यापति नगर ब्लॉक में ही कई वीआईपी लोगों का, जैसे जज साहब हैं, हमारे वित्त मंत्री हैं, उनका आगमन हुआ है, हमारे ब्लॉक में ही है, तो उनमें उनकी ड्यूटी लगी है, तो वो उधर व्यस्त हैं, उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेज दिया। तो भारत सरकार का जो नौ थीम था, सतत विकास योजना लक्ष्य जो 2030 तक प्राप्त करना है, उसी लक्ष्य के बारे में हम लोग को बीपीआरओ माध्यम से बताया गया, और हम लोग को उस नौ थीम में से किसी एक थीम पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में काम करना है कि एक थीम में से 50% योजना लेना है, जिसके लिए हम लोगों को आज का कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कोई संशय है क्या? नया चीज़ है, थोड़ा सा परेशानी है, हम लोग समझ रहे हैं, समझ बुझ के 30 अप्रैल तक करना है, इसको हम लोग करेंगे। समस्तीपुर से रत्नशंकर भारद्वाज की रिपोर्ट।